Hi guys, welcome back to another video. This is Shrishta Singh and in today's video I'm going to share 7 important tips that will definitely increase your concentration power, because I have received a lot of request messages from students jinhe concentrate karne mein kafi zyada mushkil aata hai. Wo achieve to karna chahte hain, unke goals to hain, but still routine bhi hone ke bawajood wo cheezon par concentrate nahi kar pate. So this video is specifically for all those students jinhe concentrate karne mein issue aati hai, jo ki apne studies par lambe time tak concentrate nahi कर पाते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर कंसंट्रेशन पावर इज फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन गाइज. अगर आप एक रूटीन को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी जो एनर्जीज है वो अच्छे से चैनलाइज नहीं हो पाएगी. हर दिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आज आपको क्या करना है. सो मेक श्योर गाइज कि अपने नेक्स्ट डे के रूटीन जो है वो आप एक दिन पहले ही बना लो. मतलब हर दिन आप प्रीवियस नाइट को अपने टू डू लिस्ट बना लो कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन से काम अपने नेक्स्ट डे करने. तो उससे आप बिल्कुल सॉर्टेड रहोगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना है नेक्स्ट डे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से हॉबीज पर आपको कितना कितना टाइम देना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है नेक्स्ट डे. सो इन सबको लेकर के आप बिल्कुल सॉर्टेड रहोगे अगर आपके पास एक रूटीन होगा. सो द सेकंड इंपॉर्टेंट टिप टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन पावर इज सेट टाइमर्स गाइज. अगर आप डेडलाइन नहीं सेट करते हो कि एग्जैक्टली आपको कौन सा काम कितने पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम में करना है, तो आपको ज्यादा चांसेस है कि आप प्रोकेस्टिनेट करोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप सोचते रह जाओगे, आपकी मेंटल ब्लॉकेज हो जाएगी कि अभी एग्जैक्टली मुझे क्या करना है. बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि अभी उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है पूरे दिन में कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे अपने कितने घंटे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर देना है, राइट. सो आफ्टर मेकिंग योर रूटीन डोंट फॉरगेट टू मेक योर डेडलाइन गाइज कि आपको कितने घंटे के बाद आप चाहते हो कि वो चीज फिनिश हो जाए. जैसे कि सपोज अगर आपको इंग्लिश कंप्लीट करनी है तो आप इंग्लिश पर 1.5 आवर दो और आप मैथ्स पर 1 आवर दो. तो इस तरीके से आपकी हर एक चीज बिल्कुल डेडलाइन होनी चाहिए कि हाँ मुझे ना 2 वीक में इतने सारे चैप्टर्स कवर कर लेने, मुझे 1 मंथ में इतने सारे चैप्टर्स कवर कर लेने. सो जब आप डेडलाइन बनाओगे ना तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी जो कि आपको बिल्कुल प्रेशर डालेगा कि नहीं आपको ये काम करना ही है अपने डेडलाइन से पहले, राइट. सो नेवर फॉरगेट टू मेक योर डेडलाइन गाइज. सो द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन पावर इज स्टार्ट ईटिंग हेल्दी गाइज. अगर आप बिल्कुल अच्छे से खाओगे नहीं तो आपके अंदर एनर्जीज भी नहीं जेनरेट होगी. यू आर वॉट यू ईट गाइज. आप जो कुछ भी खाते हो आप वही बनते हो, राइट. सो हमारे बॉडी में ये टेंडेंसीज है, हमारे बॉडी में जो एनर्जीज हमें मिलती है किसी भी फूड से, तो उसका जो हाइएस्ट जो सटलेस्ट फॉर्म है वो हमारे माइंड तक जाता है, हमारे ब्रेन तक जाता है. बिकॉज हमारी जो ब्रेन है वो ग्रेविटी के काफी ज्यादा ऊपर है, राइट. वो हमारा टॉप मोस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, राइट. सो अगर आप जंक्स खाते हो, पिज्जा बर्गर, अगर आप फ्राइडे पर हमेशा फ्राइड फूड खाते हो, लाइक काफी ज्यादा ये ट्रेंडिंग है कि हम हमेशा फ्राइडे पर फ्राइड फूड खाते हैं, राइट. सो अगर इस तरीके की अगर आपकी टेंडेंसीज है, अगर इस तरीके की आपकी फूड हैबिट्स है, तो आपको कंसंट्रेट करने में काफी ज्यादा इश्यू आ सकता है. बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाओगे तो उसकी तो सारी की सारी जो एनर्जी है उस पर्टिकुलर फूड की, जितने सारे भी उसके लाइफ सेल्स है, वो सारे के सारे बिल्कुल प्रोसेस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल डेड हो जाते हैं, राइट. सो अगर आप उस तरीके के फूड खाओगे तो उसके हाईएस्ट एनर्जी वो क्या आपके ब्रेन तक जाएगी, वो तो ऑलरेडी ही डेड है, ठीक है. सो उसकी जो एनर्जी जो आपके ब्रेन तक जाती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है. दैट्स व्हाई आप इतना लेजी और इतना ज्यादा प्रोकेस्टिनेट करते हो और लेथार्जिक फील करते हो, राइट. सो फॉर दैट ओनली यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग लाइव फ्रूट्स, ठीक है. आप सैलड खा सकते हो, कोशिश करो जितना ज्यादा फाइबर वाली जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, अगर आप वो कंज्यूम करोगे ना अपने डेली बेसिस पर, तो गाइज ट्रस्ट मी आपका पूरा दिन काफी ज्यादा एनर्जेटिक बीतेगा और आपके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी अपने सारे के सारे काम को फिनिश करने का, राइट. अगर आप बहुत ज्यादा डिजी और बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हो तभी तो आप प्रोकेस्टिनेट करते हो. सो ये सब कुछ का जो रूट कॉज है ना वो आपकी फूड और ईटिंग हैबिट्स ही है. सो मेक श्योर कि आज से अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो इन सारे छोटे छोटे फैक्टर्स का भी आपको ध्यान रखना है, ना कि आप सिर्फ इस तरीके से बैठ करके आपने डेडलाइन बना ली कि नहीं अभी तो मुझे 1 घंटे तक ये चीज पढ़ना है या फिर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना है. सो वैसे आप बिल्कुल अच्छे से स्मूथली फ्लॉलेसली आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे. अगर आप इन सारे छोटे छोटे फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखते हो, अपनी ईटिंग हैबिट्स पर, अपने रूटीन पर, अपने डेडलाइन पर अगर आप नहीं बनाते हो इस तरीके से, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके डिजायर्ड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप लिमिटेड पर्टिकुलर टाइम में नहीं कंप्लीट कर पाओगे. तो योर फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन पावर इज अवॉइड गॉसिपिंग.
गाइज, आप सोच भी नहीं सकते हो गॉसिपिंग करने से और फालतू की चिक चैट्स करने से आपकी जो एनर्जीज है वो कितना ज्यादा ड्रेन होता है, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जीज जो है वो रिड्यूस होती है, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे अपने रूटीन को फॉलो करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में। सो मेक श्योर कि आप गॉसिपिंग मत करो। अगर आपके कोई भी ऐसे फ्रेंड्स है जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते, तो वैसे फ्रेंड्स से दूर हो जाओ जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जिनके पास प्रोडक्टिव बातें नहीं होती आपके साथ करने के लिए, जो सिर्फ किसी और की गॉसिपिंग करते हैं, किसी के बारे में बैक बिचिंग करते हैं किसी के बारे में, ठीक है। सो उन सारे फ्रेंड्स, उन सारे रिलेटिव्स और उन सारे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। सो अगर आप ये अपने लाइफ में करोगे, इन सारे लोगों को कट आउट कर दोगे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से, तो बिलीव मी गाइज, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी दिन बिल्कुल प्रोडक्टिव गुजरेगी और आप सारे के सारे काम में बिल्कुल कंसंट्रेट कर पाओगे। बिकॉज हमारे जो एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं वो यही सारे लोग होते हैं, वो वही सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमारे माइंड में हमारे गोल्स के ऑपोजिट बातें हमारे माइंड में फीड करते हैं, और वो फीड तब तक ही करते हैं जब तक आप उनको अलाउ करते हैं फीड करने के लिए, राइट। सो जब आप उनको कट आउट कर दोगे अपने लाइफ से, तो कोई आपके माइंड में फालतू की चीजें फीड ही नहीं कर पाएगा, तो वो सारे के सारे थॉट्स ही नहीं बन पाएंगे और वो एक्शंस भी नहीं बन पाएंगे। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन गाइज क्यों आप फालतू की चीजों में इंडल्ज हो जाते हो। अगर आप कुछ भी कंज्यूम करते हो थ्रू आउट योर डे, सो जस्ट मेक श्योर कि आप पूरे कॉन्शियस वे में आप उस पर्टिकुलर चीज को चूज करो जो भी आपको करना है। जैसे कि अगर अभी आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, सो आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, रादर देन गॉसिपिंग विद योर फ्रेंड्स एंड सो कॉल्ड रिलेटिव्स। सो इन सारे लोगों से जितना ज्यादा दूर रहोगे, उतना ज्यादा ही आप अपने गोल्स के करीब होते चले जाओगे। सो योर फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन स्किल्स इज मेडिटेट डेली गाइज। आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन डेली के बेसिस पर करनी है। एक्सरसाइज तो आपके फिजिकल बॉडी के लिए होता है, अगर आप मेडिटेशन करते हो ऑन अ डेली बेसिस ना, तो आपके माइंड की भी एक्सरसाइज होगी। बिकॉज सी हमारे माइंड में हमेशा अननेसेसरी थॉट्स और अननेसेसरी आइडियाज आते रहते हैं जिनकी अभी जरूरत नहीं है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। सो उसी तरीके से जैसे हमारे बॉडी में अननेसेसरी फैट्स इकट्ठा हो जाते हैं जिनको कि बर्न करने के लिए हम जिम जाते हैं, हम वर्कआउट्स करते हैं, हम स्किपिंग करते हैं, हम जुम्बा डांसिंग करते हैं, जुम्बा फिटनेस वाली क्लासेस करते हैं, सो ये सारी की सारी चीजें, जैसे हम स्विमिंग करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो काफी सारी चीजें आपके इंटरेस्ट एरिया में आ सकती है फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो आप वो कर सकते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं इफ यू लव डांसिंग, राइट। बट अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो इससे आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है, फिजिकल बॉडी जो है, वो बिल्कुल फिट रहेगी। बट माइंड के लिए क्या, आपने कभी सोचा कि माइंड को फिट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो मेडिटेशन इज एन एक्सरसाइज फॉर माइंड, ठीक है। अगर आप मेडिटेट करते हो डेली के बेसिस पर, तो आपका जो माइंड है उसे काफी ज्यादा शार्प, काफी ज्यादा फिट और काफी ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा। आपका माइंड बिल्कुल एक डायरेक्शन में बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए यू हैव टू डू मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस गाइज। एटलीस्ट आप स्टार्ट करो 5 to 10 minutes से, एंड देन आप उसको 15 to 20 minutes, 25 minutes तक ले जाओ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब आप डेली मेडिटेट करोगे ना इवनिंग में एंड मॉर्निंग में, तो यू विल फाइंड दैट डिफरेंस कि आपका जो माइंड है वो कितना पीसफुल होते चला जा रहा है। बिकॉज हमारे माइंड में काफी सारे थॉट्स आते हैं, सो जब भी आप मेडिटेशन करो ना, तो अपने ब्रीदिंग पर फोकस करो। कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, आपको वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि दी मैं तो मेडिटेशन करती हूँ बट मुझसे होता नहीं है, काफी सारे अननेसेसरी थॉट्स एंड ड्रामास क्रिएट होते हैं माइंड में, सो वो सब नहीं क्रिएट होंगे। वैसे ही जैसे अगर आप पुशअप्स करते हो ना, तो आप एक पुशअप के बाद दूसरा पुशअप करते, ऐसे ही आप 10-20 पुशअप्स अगर आप डेली करोगे तो आपके मसल्स बनेंगे, राइट। सो उसी तरीके से जब आपके कोई भी थॉट्स आते हैं, तो फिर आप अपने पूरे के पूरे फोकस को अपनी ब्रीदिंग पर ले आओ, ठीक है। फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट इस पर आप फोकस करो, इनहेल करते हो उस पर फोकस करो, एक्सहेल करते हो तो उस पर फोकस करो, ठीक है। और जो भी सारे थॉट्स आते हैं, बस माइंड तो वहां जाएगा, बट आपको थॉट से थिंकिंग के तरफ नहीं बढ़ना है। थिंकिंग हमारी खुद के हाथ में होती है, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। थॉट्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो जब भी थॉट्स आती है, तो आप बस देखो और फिर से अपने पूरी की पूरी फोकस को अपने ब्रीदिंग पर लेकर आओ। ये एक्सरसाइज अगर आप डेली करोगे ना, तो इससे होगा क्या कि आपके थॉट्स आ रहे हैं, फिर आपने अपने फोकस को ब्रीदिंग पर ले आया, फिर आ रहे हैं, फिर ले आया, तो इससे आपकी ना माइंड पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे हम पुशअप्स करते हैं तो मसल्स बनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपका माइंड बिल्कुल काम, बिल्कुल फोकस्ड, बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा और आपके माइंड में बहुत ज्यादा डायनेमिक आइडियाज भी आने लगेंगे। सो द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टिप टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन पावर इज अनप्लग। Unplug yourself from each and every distractions, guys. जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स आप यूज करो, यूज करना बुरा नहीं है, ये सारे के सारे एक टूल्स है अगर आप इसको काफी अच्छे से यूज कर पा रहे हो तो, राइट। अगर आप इनसे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, तो फिर ये एक ब्लंडर है आपके लाइफ के लिए, ठीक है।
सो जब भी आप सोशल मीडिया साइट्स यूज करो तो अपने कॉन्शियस डिसीजन के वजह से करो कि आपने डिसाइड किया कि आप 15 मिनट्स इंस्टाग्राम चलाओगे, 15 मिनट्स आप यूट्यूब के वीडियोस देखोगे, तो वो पूरी की पूरी आपकी डिसीजन होनी चाहिए, ना कि आप बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए हो और आपने नेटफ्लिक्स ऑन किया और सीरीज पर सीरीज आप देखते जा रहे हो, बिंज वॉचिंग करते जा रहे हो. सो ये आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा. ईच एंड एवरी थिंग, जो कुछ भी आप पूरे दिन करते हो, वो सब आपकी डिसीजन होनी चाहिए, वो सब कुछ आपके रूटीन में होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो उस वक्त यू हैव टू अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन जो भी आपके फोन में आती है, सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, नोटिफिकेशन में जाकर ना उनके सारे के सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो. जब आप ऑफ कर दोगे तो जब आप फ्री रहोगे तब आप उसे चेक कर पाओगे, उसके नोटिफिकेशन की वजह से आप वहां पर डिस्ट्रैक्ट होकर के क्लिक नहीं करोगे. सो ये जो चीज है ये अभी आपको स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट करने में थोड़ा मुश्किल आएगा, बट अगर आप डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बिल्कुल इस चीज को भी कर पाओगे. जैसे कि मेरे फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आते तो मुझे पता ही नहीं लगता है. जैसे कि मैंने अपना हाफ एन आवर डेडिकेट करके रखा है यूट्यूब, व्हाट्सएप और जो भी सारे नोटिफिकेशन एंड मैसेजेस चेक करने के लिए, सो उसी लिमिटेड टाइम में मैं चेक करती हूँ, और उससे पहले और उससे बाद फिर मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती हूँ, किसी के फोन भी पिक नहीं करती हूँ. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर लाइफ, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर डिसीजन, चाहे वो डिसीजन छोटा सा भी क्यों ना हो, आपके गोल की तरफ वो आपको लेकर जाएगा. सो द सेवंथ इंपॉर्टेंट टिप टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन स्किल इज जस्ट थिंक लाइक एन इन्वेस्टर गाइस. जिस तरीके से एक इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, कंपनीज की पूरी एनालिटिक्स चेक करता है कि एग्जैक्टली इस कंपनी का लास्ट 15 इयर्स का किस तरीके से ग्राफ चल रहा है, प्रॉफिट कैसे हो रही है, लॉस कैसे हो रही है, तो वहां पर उसके बेसिस पर, अपने रिसर्च के बेसिस पर वो किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाता है, राइट, इन्वेस्ट करता है, राइट. बट जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं होते वो क्या करते हैं कि बस ऐसे ही उन्होंने किसी कंपनी को देखा और उन्हें ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर ना फ्लक्चुएशंस काफी सही जा रही है, प्रॉफिट ज्यादा होंगे मे बी दो साल के बाद बिकॉज अभी रिसेशन चल रहा है, ऑल ये सारी की सारी चीजें, तो वो अपने सिर्फ गट फीलिंग और अपने सिर्फ इंट्यूशन को लेकर के पैसे वहां लगा देते हैं विदाउट डूइंग द स्पेसिफिक रिसर्च, राइट. सो यू हैव टू थिंक लाइक एन इन्वेस्टर गाइस, कि अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तो जब भी आप अपने पैसे कहीं किसी भी कंपनी में लगाओगे तो वहां पर रिसर्च करोगे ना कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, राइट. तो उसी तरीके से जब भी आप अपना टाइम कहीं पर इन्वेस्ट करते हो ना तो वहां पर भी आपको सोचना है कि अभी यहां पर जो मैं 5 मिनट्स इन्वेस्ट करी हूँ इस पर्टिकुलर दोस्त से बात करने के लिए, तो क्या ये मुझे फ्यूचर में कोई रिटर्न देगा, क्या ये फ्यूचर में मेरे माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे गोल के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ये 3 क्वेश्चन पूछोगे और आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है ये बात इसकी, तो अगर वो यस अगर आता है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, तो बिल्कुल आप उससे बात करो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो उसके पीछे. बिकॉज गाइज टाइम इज लाइक मनी, आप जहां भी इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलेगी, और यहां पर जो रिटर्न है ना वो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, काफी ज्यादा भी मिल सकता है, इट्स लाइक अ कंपाउंडिंग इफेक्ट, राइट. सो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फ्रेंड से या कहीं पर भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सो जस्ट थिंक लाइक एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर गाइज, कि जहां पर भी इन्वेस्ट करो पहले रिसर्च करो कि मैं जो ये यूट्यूब का वीडियो आप अभी देखने वाली हूँ क्या ये मेरे लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, क्या इससे मेरे लाइफ में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, अगर नहीं आने वाले हो तो जस्ट स्टॉप डूइंग दैट गाइज, अगर आने वाले तो जस्ट कीप डूइंग, ठीक है. अगर कोई भी चीज खाते हो उस टाइम आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अभी मैं ये जो चीज खाने वाली हूँ, ये पिज्जा, ये बर्गर, ये फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, आप केएफसी में जा रहे हो पार्टीज करने के लिए हर फ्राइडे को, सो आपको ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है क्या ये जो चीज मैं खा रही हूँ क्या ये मेरे बॉडी के लिए सही है लॉन्ग टर्म के लिए. सो आप देखोगे अगर आंसर नहीं है तो मत जाओ ना, आप अपने घर में ही कुछ अपने लिए बॉइल्ड चीजें बना लो, सो उससे पता लगेगा आप अपने बॉडी के कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, राइट. आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जाएगी ही जाएगी. अगर आप खुद के बॉडी के साथ चीट करोगे जो आपकी बॉडी के लिए सही है ही नहीं, अगर आप वही सारी चीजें कंज्यूम करोगे एज अ फूड, एज अ एंटरटेनमेंट, ठीक है, वैसे सॉन्ग सुनोगे जो आपके माइंड में हमेशा रहती है, तो वो सारी चीजें ना आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आप वही सारे सॉन्ग्स गुनगुनाओगे, राइट. जैसे कि मेरे फोन में अभी तक एक भी सॉन्ग नहीं है, सो दैट डजंट मीन्स कि मुझे सॉन्ग पसंद नहीं है, मुझे सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद है, बट स्टिल उसकी भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, जब भी वो टाइम आता है तो कभी कभी जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मैं सुन लेती हूँ एक दो सॉन्ग्स, बट या मुझे सॉन्ग सुनने से ज्यादा पसंद है किसी पॉडकास्ट को सुनना, किसी इंटरव्यू को सुनना, किसी टेड टॉक को सुनना और या फिर किसी ऑडियो बुक को सुनना, बिकॉज आई हैव किंडल एंड आई हैव स्टोरी टेल का सब्सक्रिप्शन भी, तो आप ये सारी चीजें ले सकते हो, वहां पर आप ढेर सारे ऑडियो बुक्स सुन सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब
अप टू 100-250 में अगर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स सुन सकते हो तो इट इज फ्री, राइट? सो ये सारी चीजें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ जो कि आपके फ्यूचर में कॉन्ट्रीब्यूट करे, राइट? उन सारे काम में बिल्कुल भी अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट मत करो जो कि आपको फ्यूचर में रिटर्न ही ना दे. सो आवर 8th पॉइंट इज वॉच योर गोल्स गाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे. आप अपने लाइफ के गोल्स, अपने लाइफ के लाइक अल्टीमेट गोल्स, बिगर गोल्स को आप अपने एक नोटबुक में लिख दो एंड उसको पूरे 3 टाइम्स अपने पूरे दिन में एक बार उसको देखो. जब जब आप उसको देखो तब तब वो आपको रिमाइंड करवाएगा, सी दिस इज योर गोल एंड यू आर डूइंग दिस, सी दिस इज योर गोल एंड यू आर ईटिंग दैट. सो अगर ऐसी आपकी गोल है दैट यू वॉन्ट टू लुक अ स्लिम और यू वॉन्ट टू लुक फिट आफ्टर लाइक 5 ईयर्स, तो आप कभी भी जंक्स नहीं खाओगे, कभी भी फ्रेंच फ्राइज नहीं खाओगे, बर्गर्स नहीं खाओगे, राइट? आप बॉइल्ड फूड खाओगे, आप सूप्स पियोगे, ठीक है, आप स्मूदी खाओगे, आप ये सारी चीजें खाओगे जो कि आपके हेल्थ में कंट्रीब्यूट करे. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गाइस, काफी सारे रेसिपीज हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्दी हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके बॉडी बिल्डिंग में. अगर ये आपका गोल है तो आप डेली अच्छे से खाओगे, अच्छी अच्छी चीजें कंज्यूम करोगे, ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोज देखोगे, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनोगे जिससे कि आपके फ्यूचर में थोड़ी वैल्यू एड हो पाए, राइट? बिकॉज वी ऑल हैव ओनली 60-70 ईयर्स टू लीव. और अगर अभी आप अपना टाइम वेस्ट कर दो इन सारे फूड्स पर, इन सारे फालतू के गॉसिपिंग्स पर और इन सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन पर, तो आपकी जो लाइफ की जो क्वालिटी है ना आफ्टर 5 इयर्स और आफ्टर 10 इयर्स वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी. सो वो आपको डिसाइड करने की एग्जैक्टली आप अपने आप को 5 इयर्स के बाद कैसा देखते हो, 10 इयर्स के बाद कैसा देखते हो, वहां से आएगी आपकी इंस्पिरेशन, वहां से आएगी एनर्जी किसी भी काम को फिनिश करने की. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल गाइज. इफ येस देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड काफी सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो आप मेरे वीडियोस तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो. सो इट्स वेरी रॉन्ग गाइज, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. सो उससे मुझे भी काफी इंस्पिरेशन मिलती है दैट यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट एंड वीडियोज, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज डोंट फर्गेट टू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो दैट यू वॉन्ट टू सी दीज काइंड ऑफ वीडियोज. सो मैं ऐसे वीडियोज भी कभी कभी बना दूंगी. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय, हैव अ ग्रेट.